एक्सक्यूज मी, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत हीरोइन कौन है? मैं कौन सा बताऊं? करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर, आप क्या कहते हैं? मनीषा। मनीषा कोइराला। अगर और आप बताइए कि सबसे ज़्यादा अच्छा डांस कौन करती हैं? लड़की लोग में, फीमेल में, फीमेल में माधुरी दीक्षित। आई थिंक मनीषा। मनीषा ही द आउट एंड आउट मनीषा फैन। अच्छा ये बताइए कि अगर आप किसी आइलैंड पे, अगर आप मरून हो जाएं, अगर आपको आइलैंड के साथ किसी आइलैंड पे एक एक्ट्रेस के साथ छोड़ दिया जाए तो वो कौन सी हीरोइन होंगी? डोंट टेल मी मनीषा। या यू आर राइट। मनीषा। अच्छा फिल्म इंडस्ट्री और साउथ की फिल्म इंडस्ट्री मिला के सबसे बड़ा सुपरस्टार आज तक कौन है? ये तो मुझे नहीं पता कौन है। कि हम लोग, आपको लगता क्या है कौन है? अब मैं क्या बता सकता हूँ इस बारे में, मैं तो कुछ भी ज़्यादा करके हिंदी फिल्म में देखता नहीं ज़्यादा मैं। कमल हासन। ये बताइए कि आपको बेस्ट फिल्म डायरेक्टर कौन लगते हैं इंडियन सिनेमा के? आई डोंट नो दैट। और म्यूजिक डायरेक्टर? और अगर इंडियन फिल्म्स में जो डांसेस होते हैं उनको अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करा जाए तो आप क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो वही कहेंगे ना। कौन कहेंगे? आप ही कहेंगे ना। एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट म्यूजिक एंड डांस, सो दैट फिल्म फिल्म डांस नो, आई डोंट थिंक। ओके, थैंक्स सो मच। इट्स मी। आपको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कौन लगती है? काजोल। और आपको? इस टाइम तो करिश्मा ही चल रही है बेस्ट। तो करिश्मा बेस्ट चल रही है, फिल्म की तरह एक्ट्रेस भी बेस्ट चल रही है? नहीं, एक्ट्रेस अच्छी है। हाँ। एक्टिंग मेरा सब अच्छा है उसका। अच्छा, सबसे अच्छी डांसर कौन सी है? क्लासिकल और फिल्म? फिल्म, फिल्म डांसर आई थिंक मनीषा। माधुरी। अच्छा एक बार बताइए कि आपको कौन सा जमाना बेटर लगता है, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का या कलर फिल्मों का? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट क्या अच्छा लगता है? देवानंद। सेम, ब्लैक एंड व्हाइट। यस, क्योंकि आजकल की फिल्मों को स्टोरी वगैरह कुछ नहीं है। हाँ। पुरानी फिल्मों में स्टोरी भी और कुछ है, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, एक्टिंग, लिरिक्स, म्यूजिक, एवरीथिंग दे हैव। अच्छा एक बार बताइए अमिताभ बच्चन की अभी तक आज टिल डेट बेस्ट फिल्म कौन सी है? जो मेरी पसंद में या जो आपकी आपके अकॉर्डिंगली? मेरे अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से शराबी। शराबी एंड नमक हलाल। ओके, नमक हलाल। नमक हलाल मेरी भी कुछ पर्सनल फेवरेट है। अच्छा ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? म्यूजिक डायरेक्टर इन टुडे टैलेंटेड जतिन ललित, भूपेन हजारिका एंड अनु मलिक। अनु मलिक पर्सनल फेवरेट, आई थिंक द वे ही सेड अनु मलिक, इज दैट राइट? या। रहमान। ओके, बस एक ही आपका फेवरेट है। आपको रहमान की कौन सी फिल्म का म्यूजिक बेस्ट लगा? हमसे मुकाबला और रोजा। बॉम्बे। बॉम्बे रोजा। यस या बॉम्बे। ओके, ये बताइए कि आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बेस्ट डायरेक्टर कौन से रहे हैं? फिल्म डायरेक्टर मे बी From my point of view, I think Gulzar. Okay. My personal choice is Gulzar and Rishikesh Mukherjee. Lot of there. काफ़ी सारे हैं, अब एक एक करके तो नहीं बता पाऊँगा, बट हाँ my personal thinking is Gulzar is my best director. Okay. What about you? सुभाष घई। अच्छा आपको सुभाष घई की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी? अगर हाँ अच्छी लगी। Okay. अगर एक आइलैंड पे आपको मरून होना पड़े किसी एक्ट्रेस के साथ, अगर आपको 10 दिन के लिए आपका शिप रेक हो जाए किसी आइलैंड पे और आपके साथ कोई हीरोइन हो तो वो कौन सी हीरोइन होगी? आप कह रही हैं ऐसा लेकिन ऐसा होगा नहीं। अच्छा मानिए अगर हो जाए तो आई थिंक इट्स कौन होगी वो हीरोइन, कौन होना चाहेंगे आपके वो? मनीषा कोइराला। अरे ओके, थैंक यू सो मच।